नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है सागर से जी। सागर में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रोटोकॉल अनदेखी मामले में कलेक्टर ने अपर कलेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट को जो है शो काज नोटिस जारी किया। जी हां, बड़ी खबर। दरअसल गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का सत्कार और प्रोटोकॉल का पालन ना करने के मामले में एक तरफ जहां पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने पीडब्ल्यूडी सागर के कार्यपालन यंत्री हरिशंकर जायसवाल और अनुविभागीय अधिकारी जयंत तिवारी को निलंबित कर भोपाल मुख्यालय अटैच कर दिया है, तो वहीं अब कलेक्टर दीपक सेन ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपर कलेक्टर अखिलेश जैन व सिटी मजिस्ट्रेट सीएल वर्मा को भी धारा 166 के तहत शोकाज नोटिस दिया है। जी हां, नोटिस में बताया गया है कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के सम्मान, स्वागत, सत्कार आदि की जिम्मेदारी इन अधिकारियों पर थी, लेकिन आपके द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाते हुए अतिथि का सत्कार तो दूर सर्किट हाउस में मौजूदगी तक दर्ज नहीं कराई गई है, जिसके कारण पीडब्ल्यूडी मंत्री को वापस अपने निवास गड़ाकोटा जाना पड़ा। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने दो अधिकारियों को पहले ही निलंबित कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अपर कलेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।